इस कहानी में ये है कि आपने क्या करा, जब भी कोई नेमिंग करते हैं तो आप इस तरह से देख लेते हैं, जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं उनको मान लीजिए भगवान, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही होगा, उनको मान लीजिए देवता, और एल्काइल ग्रुप वगैरह वगैरह को मान लीजिए आप इंसान, सबसे बड़े भगवान। जब तक भगवान है आप प्रायोरिटी से भगवान को दोगे, भले ही कुछ भी हो जाए, एक छोटी सी चेन बन रही है, सबसे छोटी चेन है लेकिन भगवान उसी में है, यानी फंक्शन ग्रुप उसी में, तो आप उसी को प्रायोरिटी दोगे भले वो कितनी छोटी क्यों नहीं हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप किसी और रूल पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी चेन है जिसमें भगवान तो आ रहा है, दूसरे में भी भगवान आ रहा है, लेकिन एक में देवता भी आ रहा है, तो आप देवता को फिर प्रायोरिटी दोगे भगवान के बाद, देवता यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। और फिर उसके बाद अगर देवता है ही नहीं, इंसान है, लोकेंट है, मतलब इंसान का मतलब लोकेंट हो गया, जो भी क्लोरो ब्रोमो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, उनको आप देख लेना, वो थर्ड प्रायोरिटी में होंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक रूल बना दिया साहब कि अगर एक से ज्यादा भगवान होंगे तो क्या होगा, तो हमने उसके लिए सीनियर प्रायोरिटी कर देंगे, भगवान सिर्फ एक ही रहेगा, तो बाकी के भगवानों का क्या होगा, यानी बाकी के फंक्शन ग्रुप का क्या होगा, उन्हें फिर सीधा ना तो हम देवता बनाएंगे, सीधा लोकेंट बना देते हैं। यानी आईयूपीएससी मेंबर बनने से पहले मैंने ये सोचा था इजीली रहेगा, लेकिन बहुत डफ हो रहा था, फिर मेरे को ये चीज करनी पड़ी। क्या करना पड़ा कि फंक्शन ग्रुप में या तो बहुत ज्यादा सीनियरिटी या सीधा फिर लोकेंट की तरह ट्रीट करता हूं, बीच वाली इज्जत नहीं मिलती। समझ में आ रही है बात? चलो प्रैक्टिस करेंगे, वो आएगा। तो हेडिंग क्या डालेगी हमारी, नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। हेडिंग डलेगा नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। नेमिंग करते वक्त हमें तीन बातों का ध्यान रखना है, पहला सिलेक्शन ऑफ चेन, दूसरा सिलेक्शन कर भी लिया नंबरिंग ऑफ चेन, नंबरिंग ऑफ चेन, और तीसरा नेमिंग। सेलेक्शन ऑफ चेन में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले क्योंकि पहले डबल बॉन्ड नहीं हुआ करता था, डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड, उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा हो। एक चेन में तीन है, एक में दो है, तो तीन वाले को सेलेक्ट कर लो, किसी में चार है तो चार वाली को सेलेक्ट कर लो। अब ये मल्टीपल बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं कि एक में डबल बॉन्ड ज्यादा है, एक में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, कुल मिला के टोटल किस में ज्यादा है उसको देखना है, टोटल जिसमें डबल भी आ गया और ट्रिपल भी आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि दो चेन ऐसी बन रही है जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों का समेशन मिला के बराबर है, तो उसके बाद किसका ऑर्डर जाएगा, नियरेस्ट, किसमें पास आ रहा है, यानी नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल जिसमें पास आ रहा है उसको, अगर नंबरिंग रूल भी सेम आ रहा है तो नंबरिंग रूल का मतलब पोजीशंस। तो फिर हम अल्फाबेट पे आएंगे, लेकिन अल्फाबेट पे आने से पहले हमें और भी कुछ देखना पड़ेगा। अल्फाबेट पे सीधा नहीं आ जाएंगे, उसके पहले एक और होगा, पोजीशन रूल वापिस आएगा, क्योंकि हमारे लिए मल्टीपल बॉन्ड है क्या, देवता, भगवान है नहीं, अब देवता सब जगह बराबर आ रहे हैं तो फिर किससे कैलकुलेशन करेंगे हम, इंसानों से यानी कि लोकेंट से। तो पोजीशन की जगह हम लेंगे नंबर ऑफ लोकेंट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लोकेंट, फिर उसके बाद हमारे लिए होगा अल्फाबेटिक
ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और फिर उसके बाद होगा हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ लोकेंट। फिर लोकेंट को हम देखते हैं, सही है। नंबरिंग रूल, नंबरिंग और चेन, यहां हम स्टार्ट करते हैं वहां से नंबरिंग जहां से मल्टीपल बॉन्ड पहले आए। चेन तो सेलेक्ट हो ही चुकी है, यानी कि पोजीशंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फिर उसके बाद हम बात करेंगे, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम बात करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर, और नेमिंग में हम सिंपल है, हमेशा एक ही चीज को यूज करते हैं, और वो क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, इसमें हमारे लोकेंट आ जाएंगे, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे, और इसके अंदर इन आइन में से कोई एक आएगा या दोनों आ सकते हैं। अगर एक से ज्यादा इन है तो डाइन, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राइन, डाइन, आइन, डाई आइन, ट्राई आइन, इस तरह से यूज करेंगे। डी और टी अल्फाबेट में काउंट नहीं होता, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा, इन, और बाद में क्या लिखा जाएगा, आइन, अगर दोनों हैं तो। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल हुआ, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं समझ में आएगा, तो हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छी वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये लिख लिया आपने, सबसे पहले मैं सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं, ब्यूट वन ईन, इसको कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, वन ब्यूटीन, दोनों सही है, लेकिन मोर करेक्ट ये है ब्यूट वन ईन। अब क्या लिखा जाए, नंबरिंग कहां से की जाए इसमें, इस कॉर्नर से, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, वन टू थ्री फोर। डबल बॉन्ड को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं पहले, क्योंकि वो अल्फाबेटिक ऑर्डर लग गया है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूट वन इन थ्री आइन। एक बात ध्यान रखना, जहां से डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट होता है वो वाला नंबर देते हैं, ना कि जहां खत्म होता है वो। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, इन की तरफ से या आइन की तरफ से, आइन, क्योंकि पोजीशन पहले देखी जाती है। तो लिखेंगे कैसे, पेंट पेंट थ्री इन वन आइन, लिखेंगे हमेशा इन को पहले, एक दो तीन चार पांच छह हेक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव ट्राइन। अब कुछ आपके लिए दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल
इनकी नेमिंग आपको करनी है। यहां पर हेक्सा, बिल्कुल। देखिए हो ये रहा है कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो दो या तीन में, तो हेक्स की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, हेक्सा। डाई हो या ट्राई हो, टेट्रा हो, तो हेक्सा वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे यहां पर भी आ लगेगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 2.4 डाईथाइल पेंट टा 1.4 डाईन, यही लिखा है आपने। हमने इसको क्यों सॉलिड किया, ये बड़ी थी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उसमें एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा था। हमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड कवर करके चलना है, ज्यादा से ज्यादा, और जितने ज्यादा हो सकते थे वो हमारे पास ये आ गया। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो क्या सारे मल्टीपल बॉन्ड कवर कर पाओगे आप? नहीं। आप यहां से करते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन मेरे हिसाब से, और आप सबको भी यही समझ में आ रहा होगा कि ये चेन में ज्यादा से ज्यादा मतलब दो तो मल्टीपल बॉन्ड है और सबसे बड़ी चेन है। क्या आपको इससे बड़ी चेन दिख रही है जिसमें दो या दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो? नहीं दिख रही, मुझे भी नहीं दिख रही। तो अब कैसे नेमिंग करेंगे? यहीं से स्टार्ट होगी नेमिंग। तो 1 2 3 4 5, दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहे मेरे को, कैसे भी करूं मैं दो ही आएंगे, 1 2 3 4, दो ही आएंगे, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। इवन उल्टा चेन छोटी हो गई आपकी। अब इसका नाम क्या होगा? 2.4 डाई इथाइल 3 मिथेनाइल, मिथेनाइल, ये मिथाइलिन भी लिख सकते हैं, मिथेनाइल। और बाद में हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 पेंट टा 1.4, 1 2 3 4, हाँ सही है, लिखें इसको। अब क्या रखोगे इसका नाम? दीजिए कुछ एग्जाम्पल आपके लिए। करिए इन सब का नाम दीजिए। तो बात करते हैं इन कुछ एग्जाम्पल्स की एक एक करके। क्या लग रहा है मैक्सिमम कितने कवर कर सकते हो? पहला पहली प्रायोरिटी तो ये रखो, दो, दो से ज्यादा नहीं कर सकते। इन दोनों को करोगे ये छूट जाएगा, इन दोनों को करोगे ये छूट जाएगा। अब सेकंड प्रायोरिटी क्या है? बड़ी से बड़ी चेन, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबसे बराबर है। क्या करूं मैं? मुझे लग रहा है मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगा। आपको क्या लग रहा है? अब ये चेन सेलेक्ट कर सकते हो,
सही है। और क्या करेंगे अपन? लेकिन इस चेन को सेलेक्ट करने में और इस चेन को सेलेक्ट करने में हमारे को यह भी हो सकता है कि इस चेन को सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास तीन लोकेट बनते हैं, 1 2 3, और इसको सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास कितने लोकेट बनते हैं, 1 और 2। समझ में आ रही है बात? तो पोजीशन बाद की बात आएगी, सबसे पहले मुझे जो लग रहा था वो सही था कि ये चेन सही है क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा लोकेंट है, 1 2 3, ज्यादा लोकेंट है फायदा है। अगर लोकेंट सेम होते तो हम फिर पोजीशन देखते। तो सबसे पहले क्या देखा मैंने, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन, और फिर मैंने देखा उसके बाद नंबर ऑफ लोकेंट, फिर अल्फाबेटिक रूल वगैरह लगाऊंगा। बाद की बात है, पोजीशन रूल, अल्फाबेटिक रूल, इज दैट क्लियर? तो अब नंबरिंग कहां से कराई जाए, कहीं से भी कर दो, आइडेंटिकल है, इधर से करो या इधर से करो। तो आपने यहां से नंबरिंग करने शुरू कर दी, 1 2 3 4 5, इथाइल है और वो इथिनाइल है, इथिनाइलिडीन, कौन सा पहले होगा? स्पेलिंग देखो, इथाइल इथिनाइली डीन, मेरे ख्याल से इथिनाइलीन पहले आ रहा है। हाँ बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइली तो कहलाएगा, दो कार्बन का, वाई बाद में आएगा, ई पहले आएगा, सही है ना? तो मुझे इथिनाइली डीन सही लग रहा है, बाकी आप देख लेना। तो 3 पे आ जाएगा, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, इथेनाइलिडीन, 3 इथेनाइलिडीन, 4.2.4 डाइथाइल, ये इसका नाम है अकॉर्डिंग टू मी, सही है? और कोई डाउट? इसको देखते हैं कितने बॉन्ड ले सकते हो मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही सबसे, दो से ज्यादा ले ही नहीं सकते। ये कितने कार्बन है यहां? ये देखा जाए तो दो ही तो कार्बन है, 1 और 2, ये 1 और 2 है, ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये 1 और 2 कार्बन है। अब यहां जब सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, दो से ज्यादा आ नहीं सकते और यही अपने पास रहेगा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? इससे बड़ी चेन मिल रही है क्या आपको? नहीं ना। नंबरिंग कहां से शुरू करें? आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं से भी कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कैसे लिखोगे आप? 3.4.5, तीनों पे एक जैसा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। हाँ, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 3.4.5 ट्राई मिथेनाइल, मिथेनाइल सही है, मिथेनाइलीडीन भी लगा दोगे चलेगा, इसमें मिथेनाइल भी चलेगा, मिथेनाइलीडीन भी चलेगा, मिथाई मिथाइनील चलेगा, मिथाइनीली तो लिखा मैंने। अब आगे ऑक्ट 1.7, ऑक्टा 1.7 डाई इन, सही है, लिखो इसको, सही है। तो करें इसको, लिखें, मिथाई नील, ये कहना चाह रहे हो आप? मिथाई नील, METHYLENE, ELE, सही है, मिथाइली,
हाँ इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग आ रहा है, मिथाइलीन है, स्पेलिंग सही है ये, चेक कर लिया। हाँ बोलो। एक बार और बोलो, नंबर ऑफ, इसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने वहां लिखते वक्त अलग लिख लिया है, पहले देखना पड़ेगा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कितने ज्यादा है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा लॉन्गेस्ट चेन, फिर थर्ड नंबर पे आएगा नंबर ऑफ लोकेंट, नंबर ऑफ लोकेंट को पहले डालें, फिर नंबर ऑफ लोकेंट के बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ लोकेंट, फिर अल्फाबेटिक। कुछ चीजें लिखते लिखते भी क्लियर होगी क्या? इस एग्जांपल को समझ में आ गया? मिथे नाइलीन, ईएनई, ये है ईएलईबी, ये ठीक है। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, METHYLE, ये वाला, हाँ ये सही है, स्पेलिंग चेक कर लिया, ENE। ठीक है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मिथाइलीन, स्पेलिंग में कई बार हो जाता है ये। अभी हमारे पास और बच रहे हैं, मिथाइलीन, बिल्कुल सही कहा यार। इसको कैसे देखेंगे अपन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैसे देखेंगे इसको? हेक्स, लेकिन अपन को पहले ये लिखना पड़ेगा 3,4 डाई मिथाइलीन हेक्स जा 1,5 डाईइन, सही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एनी डाउट? यहां पर कैसे करेंगे? ये थोड़ा और टिपिकल हो गया, कौन बताएगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दो मेरे को सेवन वाले मिल गए, डबल बॉन्ड को दे दें, बिल्कुल। तो फिर मैं ये वाली सेलेक्ट कर लूं, सभी मेरे साथ एग्री हैं या कोई अगेंस्ट में? अपन सब आईयूपीएसी मेंबर हैं, कर सकते हैं पक्का। लेकिन अब इसका नाम कैसे रहेगा? नंबरिंग कहां से करें? 1, 2, 3, 1, 2, 3, वो तो हो गया मिथाइल, और वो हो गया, लेफ्ट से कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास हो जाएगा 3 इथेनाइली, इस तरह से हो जाएगा, ये तो हो गया इथेन, इथाइन, तो इथाइन नाइल हो गया, यही बनेगा और कुछ भी नहीं, इथाई नाइल, इथाई नाइल, क्योंकि इथाइन से अपन को ग्रुप बनाना था, YL लगाते हैं अपन ग्रुप बनाते हैं, तो 3 इथाई नाइल। अब क्या करें आगे? 5 पे भी लिख दें मिथाइल और हेप्टा 1,6, वन कॉमा सिक्स क्या लिखें आगे? डाई इन, बिल्कुल सही जा रहा है। आगे ये तो मैंने उठपटांग ही बना दिया, बहुत ही ज्यादा करिए इसकी नेमिंग आपने, छोड़ दिया यार, कवर करते हैं, चलो मैक्सिमम।
मुझे ये वाली सबसे बड़ी लग रही है, आपको भी यही लग रही होगी, इधर जाते तो भी यही रहता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ नीचे वाला नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? आइडेंटिकल है, अरे वाह, तो कहीं से भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करो। बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल बना है, अल्फाबेटिकली देखोगे तो एक बार लिख लेते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर तो अपन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मिथाइल ग्रुप कहां कहां पर है? 2 और 7 पे। बाकी प्रोपाइल बनेगा पी, ई पहले आएगा, पी ई आएगा, और ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइलीन। तो मिथाइलीन स्पेलिंग वाइज मेरे को लेट लग रहा है, तो इसका नाम जनरल वे में मैं सोचता हूं तो 2.8, 2.8 डाइमिथाइल, हाँ या ना, 2.8 डाइमिथाइल, पहला काम तो हो गया। फिर उसके बाद डैश 4.5.6, 4.5.6 ट्राई मिथाइलीन, अब सही है बिल्कुल स्पेलिंग, मिथाइलीन 2 4.5.6 मिथाइलीन। अब आगे क्या करें अपन, ये नाम भी देना है 3.7, ब्रैकेट बना दो 3.7 बिस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है नंबरिंग, 1 मिथाइल इथेनाइल, ब्रैकेट क्लोज। नहीं, इसको अल्फाबेटिकली नहीं करेंगे, अंदर अगर डाई होता तो उसे लेते हैं अंदर के लिए, बिस को अल्फाबेटिक में काउंट नहीं करेंगे। नहीं, अंदर वाले में जो साइड चेन होती है वो पहले आती है फिर दूसरी चेन आती है मेन चेन, एक्चुअल में ये साइड चेन है और ये साइड की सब साइड चेन है, तो सब साइड चेन को पहले ही लिखना पड़ेगा, लॉकेंट है वो। अब आगे क्या करें, अभी भी नाम नहीं खत्म हुआ, नॉन, ऊपर लिख लेते हैं नॉन 1.8 डाई इन, सही है। अब बताओ इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या कुछ हाइपोथेटिकल बनाए हुए नाम है, कई बार बहुत ज्यादा खराब बन जाते हैं। अर्पित एक बार और समझाना है, देखिए मेरा पहला टारगेट था इतने सारे मल्टीपल बॉन्ड देख के एक ऐसी चेन सेलेक्ट करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, मैंने पूरी कोशिश कर ली, सर से पैर तक का सारा दम लगा दिया, 2 से ज्यादा नहीं आ पा रहे, तुम्हें मिल रहे हैं बता दो, मिल जाते हैं कई बार, 1 2 3 4 5, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, इधर जाओगे तो उधर का छूट जाएगा, उधर जाओगे इधर का छूट रहा है, तो मैंने पूरा हाथ पैर मार लिया, मुझे 2 से ज्यादा नहीं मिल पा रहे। फिर मैंने दूसरा रूल अपनाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, 9 मिल गए, बस यही मेरा टारगेट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, बस काम खत्म। अब उसके बाद नंबरिंग, क्योंकि कहीं से भी स्टार्ट करो आइडेंटिकल पोजीशन आ रही थी, यहां से करो या वहां से करो, यहां से कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर और 7 पे मेरे को क्या मिल रहा है, मिथाइल, 2 और 8 पे तो क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं डाइमिथाइल, 3 मिल रहे होते हैं ट्राइमिथाइल, कॉमा लगाते, मैथ्स मैथ्स जब भी मिलती है कॉमा, मैथ्स इंग्लिश मिलती है डैश। अब 4.5.6 मिथाइलीन, ये या मिथाइलीडीन दोनों सही है, लेकिन मैं मिथाइलीन ही यूज करूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, मिथाइलीन अब एक ही चीज रखेंगे, तो ये मिथाइलीन ले लिया अपन ने, समझ आइडेंटिकल है कोई दिक्कत ही नहीं, तो समेशन वगैरह कोई चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है।
फिर उसके बाद 3 और 7 में मेरे पास एक जैसे ग्रुप है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, उनका नाम क्या होगा? 3 पे 1 मिथाइल इथिनाइल, 1 इथिनाइल, आ गई बात समझ में? और फिर उसके बाद फिर तो बचा कुछ ही नहीं, नॉन 1.8 डाइन, बस आया बात समझ में? लेकिन इतने बड़े नाम कंपटीशन में नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा बनाएंगे तो तुम समझ सकते हो पूरी जगह कवर हो जाएगी, वो बहुत छोटे देते हैं, इतने से मैं उनका नाम आ जाए, मैं तो ये प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं बस, ये कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दे, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 1 2 3, सेम आएगा 3 प्रोपाइल लाइल हो जाएगा, नहीं थोड़ी सी स्पेलिंग सही नहीं है, बनाते प्रोपाइन, ये होता है प्रोपाइन, तो इसका ग्रुप बनाना है प्रोपाइनाइल, यही बनेगा, अब प्रोपाइन, अच्छा 2 ही है क्या? फिर तो गलत है, 2 ही कार्बन रह गए, अपने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3 फिर तो हो जाएगा इथाइन नाइल, इथाइन नाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, पेंटा 1.1 2 3 4, डाई मिथाइल लीन, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लिख लें।